हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ओकिनावा की मोटरसाइकिल वाली स्कूटी, जी हाँ, इसके 16 इंच के व्हील और 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देख के तो ऐसे ही लगता है। मैं बात कर रहा हूँ ओकिनावा की इलेक्ट्रिक स्कूटर ओकी 90 की। जी हाँ, ओकी 90 का अब अपडेटेड वर्जन मार्केट में आ गया है। थोड़ी देर हो गई बट आ गया है। जानेंगे ओकी 90 के इस नए वर्जन के बारे में डिटेल से इस वीडियो में आपके टैगी भैया दिवाकर के साथ। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जो नया वाला ओकी 90 आया है उसमें मेजर जो अपडेट्स आए हुए हैं वो है, सबसे पहले तो इसका जो बैटरी पैक है, यस, बैटरी पैक अपडेट कर दिया गया है। अब जो बैटरी पैक आ रहा है वो AIS 156 सर्टिफिकेशन के साथ आ रहा है। AIS 156 सर्टिफिकेशन तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा आग पकड़ रहे थे। तो एक कमेटी बैठी है, उस कमेटी के सारे गाइडलाइन को इंप्लीमेंट करके गवर्नमेंट ने ये नया सर्टिफिकेशन लाया जो आज के टाइम में मोस्ट अपडेटेड और सिक्योर सर्टिफिकेशन है। मतलब कि अगर ये सर्टिफिकेशन लेके कोई गाड़ी आ रही है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो सिक्योर होगी। और सबसे पहले जो इस सर्टिफिकेशन के सारे नॉर्म्स को कंप्लाई किया था वो था ओकाया। ओकाया इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में सबसे पहले ये जो है सर्टिफिकेशन वो लेके आई थी। तो अब ओकिनावा की ओकी 90 भी AIS 156 सर्टिफिकेशन के साथ आ रही है और इसमें जो बैटरी है लिथियम आयन 3.6 किलोवाट आवर की ही बैटरी है जो पहले भी थी, बट सर्टिफिकेशन अपडेट हो गया है, सिक्योरिटी अपडेट हो गई है, तो बहुत अच्छी चीज है। सेकंड थिंग दोस्तों, पहले जो ओकी 90 था उसमें बड़ा ही एक बेसिक सा डिजिटल क्लस्टर था, तो अब जो है इसमें अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा आपको, कलरफुल है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, इसमें कॉल एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, इन बोर्ड नेविगेशन है, और साथ में आप इसको मोबाइल ऐप से कनेक्ट करके इसके स्टेटस को, ऑन ऑफ को, ये कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आप मोबाइल ऐप से ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक अपडेटेड ओकिनावा में ये सारी चीज़ें दी गई है। इसके अलावा जो इसका मोटर है दोस्तों, मोटर के को बनाने के लिए ओकिनावा ने इटालियन कंपनी जेवी ट्राइसिटन के साथ इसका एक अपडेटेड सेकेंड जनरेशन मोटर बनाया है। मोटर कैपेसिटी की बात करें दोस्तों तो वो अभी भी 2.8 किलोवाट का नॉमिनल पावर है और 3.8 किलोवाट का पीक पावर का मोटर है, बट जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इन्हांस कर दी गई है ये सेकेंड जनरेशन मोटर के साथ अपडेटेड ओकी 90 आएगा। फोर्थ चेंजेस की बात करें दोस्तों तो अब इसमें रिवर्स मोड ऐड कर दिया गया है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। बाकी चीजों की बात करें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वही पुराना 160 का रेंज, 90 किलोमीटर की टॉप स्पीड इसमें आपको मिलती है। इसकी लोड कैपेसिटी 150 kg अभी भी है और 3 साल की वारंटी के साथ ये आता है, और ओकिनावा की एक अपनी एक सेपरेट वारंटी है जो आपने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, वो भी इसमें कंप्लाई करती है। अब प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, इसका एक्स शोरूम प्राइस 1,80,000 रुपीज के अप्रॉक्स है, ये एक्स शोरूम प्राइस है। अब ओकिनावा आज के डेट में फेम 2 सब्सिडी इसमें आपको नहीं मिलेगी, फेम 2 का पंगा पड़ा था, तब से ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक ये फेम 2 इसका बहाल नहीं हुआ है। तो आज के डेट में जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ओकिनावा के साथ फेम 2 सब्सिडी नहीं आ रही है, तो आपको इसका जो प्राइस है ओवरऑल 2,20,000 के आसपास पहुंच जाएगा, ये सारी चीजें रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वगैरह करते करते लगभग उतना पहुंच जाएगा, तो आप ये चीजें भी देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इस व्हीकल का किसी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ कंपैरिजन तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर जरूर काम करेंगे। वी होप आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की जर्नी में इस वीडियो से थोड़ी हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप, आपको हमारी टीम जरूर हेल्प करेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सेफ राइड एवरीवन।